देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। सूत जी ने कहा, अब मैं सभी देवताओं की प्रतिष्ठा की विधि को संक्षेप में कह रहा हूँ। प्रशस्त तिथि नक्षत्रादि में प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। सर्वप्रथम अपनी वैदिक शाखा में कहे गए विधान के अनुसार ये प्रणव मंत्र ओमकार का उच्चारण करके 5 या उससे अधिक ऋत्विजों के साथ मध्य स्थान में स्थित आचार्य का वरण करे। तदनंतर पाद्य अर्ध और मुद्रिका वस्त्र गंध माल्य एवं अनुलेपनीय द्रव्यों से उनका पूजन करें। गुरु को चाहिए कि वे मंत्र न्यास पूर्वक प्रतिष्ठा कर्म का समारंभ करें। प्रसाद के अग्रभाग में 10 अथवा 12 हाथ का एक वर्गाकार 16 खंभों वाला मंडप तैयार करके उसमें कुल 8 ध्वजों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तदनंतर मंडप के मध्य भाग के 4 हाथ परिणाम की एक वेदी का निर्माण कराएं। उस वेदी के ऊपरी भाग में नदियों के संगम स्थल के किनारे से लाई गई बालुका बिछाएं। प्रधान कुंड का निर्माण करवाकर उसकी पूर्व दिशा में वर्गाकार, दक्षिण में धनुषाकार, पश्चिम में वर्तुलाकार और उत्तर में पद्माकार, इस प्रकार 5 कुंडों का निर्माण करवाना चाहिए। अथवा सभी कुंड चौकोर रखे जा सकते हैं। कुंड निर्माण के पश्चात समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आचार्य शांति कर्म के लिए विहित विधि से हवन करें। कुछ लोग मंडप के ईशान कोण की भूमि को गाय के गोबर या स्वच्छ मिट्टी से लीप कर उसमें होम करते हैं। मंडप में लगे तोरणों के समीप ही पूर्वाधिक दिशाओं में 4 द्वारों का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप के तोरण स्तंभ नयग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, बिल्ब, पलाश, खदीर, काष्ठ से निर्मित होने चाहिए। प्रत्येक तोरण स्तंभ का परिमाप 5 हाथ होना चाहिए और प्रत्येक स्तंभ को वस्त्र पुष्पादि से अलंकृत करना चाहिए तथा उसके निचले भाग को 1 हाथ नापकर पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। शेष 4 हाथ परिणाम का भाग ऊपर रखें। इसी प्रकार उन्हें मंडप के चारों ओर की दिशाओं में स्थापित करवाना चाहिए। मंडप के पूर्वी द्वार पर मृगेंद्र, दक्षिणी द्वार पर हयराज, पश्चिमी द्वार पर गोपति तथा उत्तरी द्वार पर देव शादुर्ल का न्यास करें। पहले अग्नि मिले इस मंत्र से पूर्व द्वार की दिशा में मृगेंद्र का न्यास करें। तदनंतर इशेत्वेति च इस मंत्र से दक्षिण द्वार की दिशा में हयराज का, अग्न आयाहि इस मंत्र से पश्चिम द्वार की दिशा में गोपति का और शम नो देवी इस मंत्र से उत्तर द्वार की दिशा में देव शादुल का न्यास करना चाहिए। मंडप की पूर्व दिशा में मेघ वर्ण के समान श्याम अग्नि कोण में धूम्र वर्ण, दक्षिण दिशा में कृष्ण वर्ण, नैऋत्य कोण में धूरस वर्ण, पश्चिम दिशा में पांडुर वर्ण, वायु कोण में पित्त वर्ण, उत्तर दिशा में रक्त वर्ण, ईशान कोण में शुक्ल वर्ण तथा मंडप के मध्य भाग में अनेक वर्ण वाली पताका को स्थापित करें। इंद्र विद्येधि इस मंत्र से पूर्व दिशा में इंद्र, संसुप्ति इस मंत्र से अग्नि कोण में अग्नि, यमोनाग इस मंत्र से दक्षिण दिशा में यम, रक्षोहणावेति मंत्र से नैऋत्य में नैऋत्य, पश्चिम में वरुण तथा ओम वातेति मंत्र के वावव्य से वासुदेव का अभिषेक करके उत्तर में ओम आप्याय स्वेति मंत्र से कुबेर की पूजा करें। ओम तमिशान इस मंत्र से ईशान दिशा में ईशान और मंडप के मध्य भाग में ओम विष्णु लोकेर्ति मंत्र से विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक तोरण के समीप 2-2 कलश स्थापित करने के पश्चात वस्त्र तथा उपवस्त्र से आच्छादित चंदनादि सुगंधित पदार्थों से अलंकृत पुष्प वितान एवं अनन्यान्य पूजा का उपचारों से सुशोभित दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। ओम त्रातारमिंद्र मंत्र से इंद्र, ओम अग्निमूर्धा मंत्र से अग्नि, ओम अस्मिन् वृक्ष मंत्र से निरृत्ति, ओम किम चे दधातु मंत्र से वरुण, ओम आचत्वा मंत्र से कुबेर, ओम इमा रुद्रेति मंत्र से रुद्र आदि दिक्पालों की पूजा करके विद्वान आचार्य को चाहिए कि वो वावव्य कोण में होम द्रव्य एवं अन्य पूजा में प्रयुक्त वस्तुओं को स्थापित करें। तदनंतर वो गुरु वहां रखी गई श्वेत शंखादिक शास्त्र विहित
समस्त वस्तुओं का एक बार दृष्टिपात कर ले। ऐसा करने से निश्चित द्रव्यों की शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात हृदयादि षडंगों का न्यास व्याहृति और प्रणव मंत्र से संयुक्त करके क्रमशः मंत्रों का उच्चारण करते हुए हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, करतल और करपृष्ठ का स्पर्श करें। तदनंतर ओम अस्त्राय फट मंत्र से अस्त्र का न्यास भी करना चाहिए, क्योंकि ये न्यास कर्म समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अस्त्र मंत्र के द्वारा अक्षत और विष्ठर को अभिमंत्रित करके उसी प्रकार विष्ठर के द्वारा यज्ञ मंडप में एकत्रित समस्त द्रव्यों का स्पर्श करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से पवित्र किए गए उन अक्षतों को अपने चारों ओर बिखेर दें। उसके बाद पूर्व दिशा से लेकर अग्नि कोण, दक्षिण नैऋत्य कोण, पश्चिम वायु कोण, उत्तर और ईशान कोण पर्यंत मंडप में अभिमंत्रित अक्षतों का निक्षेप करके संपूर्ण यज्ञ मंडल का लेपन करवाना चाहिए। तदनंतर याज्ञिक गुरु को चाहिए कि वो अर्धपात्र में गंधादि से युक्त जल को पूर्ण कर मंत्र समूहों से उसे अभिमंत्रित करे। उसी अभिमंत्रित जल से यज्ञ मंडप का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद जिस देव की प्रतिष्ठा करनी है उसी देव के नाम से मंडप के ईशान कोण में कलश स्थापित करके उससे दक्षिण भाग में अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित वर्धिनी की स्थापना करें। उसके बाद कलश, वर्धिनी, ग्रह और वास्तुपति देव की यथाविहित आसन पर प्रतिष्ठा के साथ पूजा करके आचार्य प्रणव मंत्र का जप करें। तदनंतर सूत्र से वेष्टित, पंच रत्नों से युक्त, दो वस्त्रों से आच्छादित, सब प्रकार की औषधियों तथा चंदनादि सुगंधित पदार्थों से अनुलिप्त उस कलश की पुनः पूजा करें। साथ ही उस कलश में प्रतिष्ठित देवता की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उत्तम वस्त्र से वर्धिनी को आच्छादित करके उसके साथ कलश को घुमाएं। वर्धिनी की जलधारा से उस कुंभ को सिज्जित करके उसके आगे की वर्धिनी को स्थापित करें। वर्धिनी के साथ उस कुंभ का पूजन करके स्थंडिल में मूल देवता की पूजा करें। उसके बाद वायव्य कोण में एक घट की स्थापना करनी चाहिए। उसमें गणपति का आवाहन कर ओम गणाना त्वेति मंत्र से उनकी पूजा करके ईशान कोण में दूसरा घट स्थापित करें। उसमें वास्तु दोष परिहार के लिए ओम वास्तुष्पते इस मंत्र से वास्तुदेव की पूजा करनी चाहिए। कुंभ के पूर्व भाग में भूत और गणदेव को बलि प्रदान कर वेदी का आलंबन करें। तदनंतर ओम योगे योगेति मंत्र से हरे कुशों का आस्तरण करें और ऋतुजों के साथ आचार्य और यज्ञ दीक्षित ये श्रेष्ठ यजमान स्नान पीठ पर उस देव मूर्ति को प्रतिष्ठित करें। उस समय विविध दैविक मंत्रोच्चार के साथ जय जयकार की मंगल ध्वनि करनी चाहिए। स्नान करवाने के लिए पीठ सहित उस देव मूर्ति को ब्रह्म रथ पर बिठाकर ईशान कोण में अवस्थित मंडप पीठ में स्थापित करें। तदनंतर ओम भद्र कर्णेति मंत्र से स्नान कराकर यज्ञी सूत्र या वल्कल वस्त्र से पोंछकर मूर्ति को स्वच्छ करके तुर्यादिक वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए लक्षणों द्वार करें। उसके बाद कांस्य या ताम्र पात्र में स्थित घृत और मधु से मिश्रित अंजन को सोने की शलाका से लेकर उस प्रतिमा की आंखों में अंजन करें। अंजन लगाने के लिए ओम अग्नि ज्योति मंत्र से देव के नेत्रों को उद्घाटित करना चाहिए। अंजनादि से सुशोभित उस देव प्रतिमा का नामकरण स्थापना करने वाला व्यक्ति करे। तदनंतर ओम इम मे गांगेति मंत्र से प्रतिमा के नेत्रों में शीतल क्रिया का संपादन कर ओम अग्नि मूर्तेन्ति मंत्र से बांबी अर्थात दीमकादि के द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी उस देव मूर्ति को समर्पित करें और बिल्ब, गूलर, पीपल, वट, पलाश द्वारा निर्मित पंचकषाय को लेकर ओम यज्ञायज्ञेति मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराएं। तदपश्चात पंचगव्य से स्नान कराकर सहदेवी, बला, शतमूली, शतावरी, घृतकुमारी, गडुची, सिहि तथा व्याघ्री इन औषधियों से युक्त जल से ओम या औषधीति मंत्र द्वारा स्नान कराएं। तदनंतर ओम या फलनीति
मंत्र के द्वारा फल स्नान कराने का विधान है। तत्पश्चात ओम द्रुपदादिवेति मंत्र से विद्वानों को ऊर्ध्वर्तन कृत करना चाहिए। अनंतर उत्तर आदि दिशाओं में क्रमशः 4 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और उन कलशों में विविध रत्न, सप्त धान्य और सत पुष्पिका नामक औषधि का निक्षेप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन 4 कलशों में 4 समुद्र एवं 4 दिशाओं के अधिष्ठाता देवों का आवाहन करना चाहिए। साथ ही दूध, दही, क्षीरोदक एवं घृतोदक से 4 कलशों को पृथक पृथक परिपूर्ण करके आप्यायस्व इस मंत्र से दुग्ध कुंभ, दधि क्रावणो मंत्र से दधि कुंभ या औषधि इस मंत्र से क्षीरोदक कुंभ तथा तजोसी मंत्र से घृत कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित इन 4 कलशों को 4 समुद्रों का प्रतिनिधि समझते हुए इनके द्वारा देव प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार स्नान संपन्न उस देव प्रतिमा को सुंदर वेश भूषा से अलंकृत करके गुगुल का धूप प्रदान करें। तत्पश्चात पुनः कुंभों में पृथ्वी पर विद्यमान सभी तीर्थों, नदियों तथा सागरों का विन्यास करना चाहिए। उन कुंभों को ओम या औषधीति मंत्र से अभिमंत्रित करके उनसे पुनः उस देव प्रतिमा का अभिषेक करें। जो व्यक्ति अभिषेक के अवशिष्ट जल से स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र के प्रतिनिधि रूप उन कुंभों से उस देव मूर्ति का अभिषेक कृत्य संपन्न होने के पश्चात अर्ध प्रदान करके ओम गंध द्वारोति मंत्र से सुगंधित चंदनादि पदार्थों द्वारा अनुलेप करें। साथ ही शास्त्रों से विविध वेद मंत्रों में देवमूर्ति न्यास की प्रक्रिया भी संपन्न करें। तदपश्चात ओम इम वस्त्रेति मंत्र के द्वारा वस्त्रों से मूर्ति को आच्छादित करें। इसके बाद ओम कविहावीति मंत्र का उच्चारण करते हुए उस प्रतिमा को सुंदर मंडप में ला करके ओम शंभावयेति मंत्र से शैया पर स्थापित करें। तदनंतर ओम विश्वचक्षु मंत्र का उच्चारण समस्त पूजा विधि को सब प्रकार से परिपूर्ण करें। तत्पश्चात वहीं पर बैठकर परम तत्व का ध्यान करते हुए आचार्य को शास्त्रीय विधान के अनुसार मंत्र न्यास करना चाहिए। मंत्र न्यास की प्रक्रिया मंत्र शास्त्रों में बताई गई है। इस न्यास के बाद मंडप में प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा को वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए और उसकी यथाविधि पुनः पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्रीय विधि के अनुसार जो देवता को समर्पित करना है वो उनके पाद मूल में समर्पित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त देवता के शिरोभाग में 2 वस्त्रों से वेष्टित, स्वर्ण से युक्त एवं प्रणव से अंकित कलश स्थापित करना चाहिए। तदनंतर कुंभ के सन्निकट बैठकर आचार्य वेद मंत्रोच्चार के साथ अग्नि की स्थापना करें। तदनंतर पूर्व दिशा में ऋग देवता ऋग्वित कुंड के समीप बैठकर श्री सूक्त तथा पौमान आदि सूक्तों का पाठ करें। कुंड के दक्षिण दिशा में स्थित अर्धर्व्यु अर्थात यजुर्देवता आचार्य रुद्र सूक्त तथा पुरुष सूक्त का पारायण करें। कुंड के पश्चिम में बैठा हुआ उद्वाता साम वैदिक आचार्य वेदव्रत वामदेव्य ज्येष्ठ श्याम रथनंतर एवं भैरुंड श्याम का पाठ करें। ऐसे ही कुंड के उत्तर में स्थित अर्थव देवता अर्थव शीरस कुंभ सूक्त नील रुद्र सूक्त और मैत्र सूक्त का पारायण करें। तदनंतर आचार्य अस्त्र मंत्र के द्वारा भली भांति कुंड का प्रोक्षण करके स्वसामर्थ्य के अनुसार प्राप्त ताम्र या अन्य किसी धातु से निर्मित पात्र में अग्नि ग्रहण कर उस मूर्ति के आगे स्थापित करें। तत्पश्चात उस अग्नि को अस्त्र मंत्र से प्रज्वलित करके कवच मंत्र के द्वारा वेष्टित कर देना चाहिए। इस प्रकार अमृतीकृत अग्नि को गुरु वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके पात्र सहित कुंड के चारों ओर घुमाएं और वैष्णव योग से उसे प्रज्वलित कर वहीं कुंड के मध्य स्थापित करें। अग्नि के दक्षिण में ब्रह्मा और उत्तर में प्रणिता को स्थापित कर कुंड की प्रत्येक दिशाओं एवं विदिशाओं में
कुशा के विस्तरों से परिधि का निर्माण करें। तदनंतर गुरु ब्रह्मा विष्णु हर और ईशान की पूजा करके दर्भों के ऊपर अग्नि को रखकर दर्भ से ही वेष्टित करके दर्भ जल से ही प्रोक्षण करें, क्योंकि कुशा द्वारा प्रदत्त जल का प्रोक्षण करने से बिना मंत्र के भी शुद्धि हो जाती है और पूर्वाग्र उत्तराग्र और पश्चिमार्ग अखंडित तथा विस्तृत कुशाओं से वेष्टित वरही में देवताओं का सानिध्य स्वयं ही हो जाता है। अग्नि की रक्षा के लिए मंत्रों ने जो उपयुक्त नियम कहे हैं उनके विषय में कुछ आचार्यों का विचार है कि उन सभी कृत्यों को जात कर्म संस्कार के पश्चात करना चाहिए। अग्नि का पवित्रीकरण करके आचार्य को आज्य संस्कार करना चाहिए, अनंतर आज्य को आहुति योग्य बनाने के लिए उसका अवेक्षण निरीक्षण निराजन एवं अभिमंत्रित करके उसके द्वारा मुख्य हवन के पूर्ण करणीय आज्य भाग्य एवं अभिघार नाम का कृत्य विशेष संपन्न करना चाहिए। तदनंतर उस आज्य से 5-5 आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद गर्भाधान संस्कार से लेकर गोदान संस्कार पर्यंत अग्नि का संस्कार करके आचार्य को अपनी शाखा के अनुसार विहित मंत्रों से अथवा प्रणव से आहुति प्रदान करनी चाहिए। आचार्य अंत में पूर्णाहुति प्रदान करें, क्योंकि पूर्णाहुति देने से यजमान की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। इन वेद विहित नियमों से उत्पन्न हुई अग्नि सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, अतएव उसकी पूजा करके अन्य सभी कुंडों में उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। वहां प्रत्येक आचार्य अपने शाखा मंत्रों से इंद्रादि सभी देवों को 100-100 आहुतियां प्रदान करें। 100 आहुतियों के पश्चात पूर्णाहुति स्थापित करके सभी देवों को एक एक आहुति पुनः प्रदान करनी चाहिए। होता अपने द्वारा अनुष्ठित आज्याहुतियों के शेष भाग को यथाविधान कलश में समर्पित करें। इसके बाद आचार्य देवता मंत्र एवं अग्नि के साथ अपने तादाम्य की भावना करते हुए पूर्णाहुति संपन्न कराएं। यज्ञ मंडप से बाहर आकर आचार्य दिग्पालों को बलि प्रदान करें। इस बलि कृत्य के साथ भूतों देवताओं और नागों को बलि देनी चाहिए। तिल और समिधा यही दो होम पदार्थ विहित हैं। आज तो उन दोनों का सहयोगी है, क्योंकि घृत के बिना हवनीय द्रव्य अक्षय परिपूर्ण नहीं होता। इस हवन कृत्य में पुरुष सूक्त रुद्र सूक्त ज्येष्ठ श्याम तथा तन्यामी इस मंत्र से युक्त भारुंड सूक्त महामंत्र के रूप में प्रसिद्ध नील रुद्र सूक्त एवं अथर्व के कुंभ सूत्र का पारायण यथा कर्म पूर्व दक्षिण तथा पश्चिम आदि दिशाओं में आसीन ऋत्वजों से करवाना चाहिए। इस हवन कर्म में एक एक सहस्त्र आहुति का विधान है और इन आहुतियों में वेद के आदि मंत्रों देवताओं के नाम मंत्रों अपनी शाखा के विहित मंत्रों गायत्री मंत्र के साथ यथाविधान व्याहवति एवं प्रणव का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ये भावना करनी चाहिए कि हम इन आहुतियों को देवताओं के शिरोभाग मध्य भाग तथा पाद भाग आदि में समर्पित कर रहे हैं और स्वयं को देवमय समझना चाहिए। इस प्रकार होम विधि को संपन्न करके दैशिक को चाहिए कि वो देव विग्रह में मंत्रों का न्यास करे। यथा ओम अग्नि मिले मंत्र का देव के दोनों चरणों में, ओम इशेत्यवेति मंत्र का दोनों गुल्फों में, ओम अग्न आयाहि मंत्र से देव की दोनों जंघाओं में, ओम शम नो देवी मंत्र का दोनों जानुओं में, ओम बृहदरनंथर मंत्र का दोनों उरुओं में न्यास विहित है। देव के उदर भाग में भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिए। तदनंतर ओम दीर्घायुष्ठाय मंत्र का देव के हृदय में, ओम श्रीशते मंत्र का गले में, ओम त्रातारमिंद्र मंत्र का वक्षस्थल में, ओम त्र्यंबक मंत्र का दोनों नेत्रों में तथा ओम मुद्राभव मंत्र का मस्तक में न्यास करके विहित लग्न मुहूर्त में हवन करें। इसके पश्चात ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मानस्पस्ते मंत्र से देवमूर्ति का उत्थापन करके मंत्रवेत्ता आचार्य देवस्य त्वा
मंत्र से मूर्ति का स्पर्श करते हुए वेदोक्त पुण्याहवाचन के साथ देव प्रसाद की प्रदक्षिणा करें। उसके अनंतर विविध रत्न, विविध धातु, लोह द्रव्य एवं विधान के अनुसार अनेक प्रकार के सिद्ध बीजों के साथ दिक्पाल आदि देवताओं की प्रदक्षिणा विहित है। उनके अनंतर यथास्थान प्रधान देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देव मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भ भाग में स्थापित नहीं करना चाहिए और न उस गर्भ का परित्याग करके अन्यंत्र ही उसकी स्थापना होनी चाहिए, अपितु गर्भ भाग का कुछ मध्य भाग छोड़कर उसे स्थापित करने से दोष का परिहार हो जाता है। अतः तिल के कण मात्र परिणाम से मूर्ति को उत्तर की ओर कुछ बढ़ा लेना चाहिए। कुछ मंत्रों द्वारा गुरु देव मूर्ति का यथाविधि विन्यास एवं अभिमंत्रित करें। साथ ही सुप्रतिष्ठित देव प्रतिमा को यथाविधान संपात कलश के जल से ही स्नान कराना चाहिए। तदनंतर धूप, दीप, अन्य सुगंधित पदार्थ तथा नैवेद्य से उस देव प्रतिमा की विधिवत पूजा करके अर्घ प्रदान करें और प्रणाम निवेदन करके क्षमा याचना करें। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार यजमान ऋतविजों को पात, वस्त्र एवं उपवस्त्र, छत्र, सुंदर बहुमूल्य अंगूठी तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तदनंतर सावधान होकर यजमान चतुर्थी होम करें। 100 आहुतियों को देकर अंत में वह पूर्णाहुति प्रदान करें। इसके बाद आचार्य मंडप से बाहर आकर दिक्पालों को बलि प्रदान करके पुष्प लेकर शमस्व इस वाक्य से उन देवों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आर्य को कपिला, धेनु, चामर, मुकुट, कुंडल, शत्र, केयूर, कटिसूत्र, व्यजन आदि वस्तुएं, ग्राम तथा साज सज्जा पूर्ण सुंदर भवन प्रदान करना चाहिए। तदनंतर आचार्य का तथा अन्य सहयोगी जनों के लिए सुंदर विशाल भोज का आयोजन कराकर सबको संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से यजमान कृतार्थ हो जाता है और वास्तुदेव की प्रसन्नता से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, स्वयंभू मनु आदि शास्त्रकारों के द्वारा पूज्य तथा सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान हरि की पूजा ब्राह्मण आदि चारों वर्ण अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। मैं पृथक पृथक रूप से उनके धर्मों को कह रहा हूँ, आप उसे सुने। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, ये 6 कर्म ब्राह्मण के धर्म हैं। दान, अध्ययन तथा यज्ञ, ये क्षत्रिय एवं वैश्य के साधारण धर्म हैं। इसके अतिरिक्त दंड क्षत्रिय के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। धर्मानुसार वे पाक यज्ञ संस्था का भी निर्वहन कर सकते हैं। भिक्षाचरण, गुरु शुश्रूषा, स्वाध्याय, संध्या तथा अग्निकार्य, ये ब्रह्मचारियों के धर्म है। चारों आश्रमों के 2 भेद माने गए हैं। इसके अनुसार ब्रह्मचारी के उपकुर्वाण तथा नैष्टिक, ये 2 भेद हैं। जो द्विज विधिवत वेदादि का अध्ययन करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाता है वो उपकुर्वाण है। जो मृत्यु पर्यंत गुरुकुल में निवास करते हुए वेदाध्ययन करते रहते हैं, ब्रह्म तत्पर होते हैं, उन्हें नैष्टिक ब्रह्मचारी के नाम से जानना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, अग्निकार्य, अतिथि सेवा, यज्ञदान और देवार्चन, ये सभी गृहस्थों के संक्षिप्त धर्म हैं। गृहस्थ के साधक और उदासीन 2 प्रकार हैं। जो गृहस्थ परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वो साधक है। जो गृहस्थ पितृऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों से मुक्त होकर पत्नी धनादि का भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता हुआ विचरण करता रहता है वो उदासीन गृहस्थ है। उसी को मौक्षिक भी कहते हैं। भूमि शयन, फल मूल का आहार, वेदाध्ययन, तप और अपनी संपत्ति का यथाधिकार यथोचित विभाग, ये सभी वानप्रस्थ के धर्म हैं। जो वानप्रस्थ अरण्य में तपश्चरण करता है, देवार्चन और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा स्वाध्याय में सदैव अनुरक्त रहता है वो वानप्रस्थ तापसोत्तम कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तप के द्वारा
शरीर को अत्यंत क्षीण करके ईश्वर के ध्यान में सदा निमग्न रहता है, वो वानप्रस्थ में रहता हुआ भी सन्यासी के रूप में जाना जाता है। जो भिक्षु नित्य योगाभ्यास में अनुरक्त होकर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत एवं जितेंद्री बना रहता है, उसको पारमेष्टिक सन्यासी कहते हैं। जो सदैव आत्म तत्व अनुसंधान में प्रेम रखने वाले हैं, नित्य तृप्त हैं, जो संयम नियम से रहते हैं, ऐसे महामुनि योगी भिक्षु कहे जाते हैं। भिक्षाचरण, वेदाध्ययन, मौनावलंबन, तप, ध्यान, सम्यक ज्ञान और वैराग्य, ये भिक्षुक के सामान्य धर्म माने गए हैं। पारमेष्टिक सन्यासी तीन प्रकार के हैं, ज्ञान सन्यासी, वेद सन्यासी एवं कर्म सन्यासी। योगी के भी तीन प्रकार हैं, जिन्हें भौतिक, क्षत्र एवं अंत्याश्रमी योगी कहते हैं। ये तीनों योग मूर्ति स्वरूप परमात्मा का आश्रय कर स्थित रहते हैं। इन योगियों की पृथक पृथक ब्रह्म भावनाएं होती हैं। प्रथम प्रकार की ब्रह्म भावना भौतिक योगी में रहती है, दूसरी मोक्ष भावना क्षत्र योगी में रहती है, इसी को अक्षर भावना कहते हैं। तीसरी भावना को अंतिम भावना कहते हैं, जो पारमेश्वरी भावना के नाम से जानी जाती है। मनुष्य को धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से दो प्रकार के कर्म कहे गए हैं। वेद शास्त्रानुसार अग्नि, आदिदेव एवं गुरु विप्रादि को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म विहित हैं, वे प्रवृत्ति कर्म हैं, तथा सविधि कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि के अनंतर आत्मज्ञान मात्र में सदा रत रहना निवृत्ति कर्म है। क्षमा, दम, दया, दान, निलोभता, स्वाध्याय, सरलता, अनसूया, तीर्थ का अनुसरण, सत्य, संतोष, आस्तिक्य, इंद्रिय निग्रह, देवार्चन, विशेषकर ब्राह्मणों का पूजन, अहिंसा, प्रियवादिता, अरुक्षिता और अपैशून्य, चुगली न करना, इन सभी को चारों आश्रमों का सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है। इसके बाद अब मैं चारों वर्णों को प्राप्त होने वाले स्थान के विषय में कह रहा हूँ। उपयुक्त वेद विहित कर्मों को करने वाले ब्राह्मणों के निमित्त प्राजापत्य नाम का स्थान है, अर्थात ब्राह्मण ऐसे धर्मों का पालन करता हुआ अंत समय में प्राजापत्य लोक प्राप्त करता है। युद्ध में न भागने वाले धर्म क्षत्रियों को स्वर्ग में इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपने धर्म में अनुरक्त रहने वाले वैश्य अंत में मरुदेव के स्थान को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण आदि द्विजों की सेवा में तत्पर रहने से शूद्रों को गंधर्व लोक प्राप्त होता है। ऊर्ध्व रेतस ब्रह्मनिष्ठ 88 सहस्र ऋषियों ने तपस्या के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया था, वही स्थान गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है। जो स्थान मरीचि, अत्रि आदि सप्तर्षियों को प्राप्त है, वो स्थान वानप्रस्थाश्रमी प्राप्त करते हैं। संयमित चित्त वाले ऊर्ध्व रेतस सन्यासियों को वो आनंद रूप पर ब्रह्म पद प्राप्त होता है, जहाँ से पुनः आगमन की संभावना नहीं होती। ये पर ब्रह्म पद व्योम नाम के अक्षर तत्व के रूप में, योगियों के अमृत स्थान के रूप में एवं ईश्वर संबंधी परम आनंद के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान को प्राप्त करने वाला मुक्त आत्मा पुनः संसार में नहीं आता है। अभी जिस मुक्त आत्मा की चर्चा की गई है, उसको प्राप्त होने वाली मुक्ति अष्टांग मार्ग का सम्यक ज्ञान रखने से प्राप्त होती है। अतः मैं संक्षेप में उसे भी कह रहा हूँ, आप सुने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। प्राणी की हिंसा न करना अहिंसा है, प्राणियों के हित में बोलना सत्य है, दूसरे की वस्तु अपहरण न करना अस्तेय है, अमैथुन का पालन करना ब्रह्मचर्य है और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। बाह्य और आभ्यंतर रूप से शौच के 2 भेद हैं। इसी प्रकार संतोष को तुष्टि, इंद्रिय निग्रह को तप, मंत्र जप को स्वाध्याय और भगवत पूजन आदि को प्रणिधान कहते हैं। साधक के द्वारा पद्मादि प्रकार से स्थित होना आसन कहा जाता है। वायु का निरोध करना प्राणायाम है, ये 2 प्रकार का होता है। मंत्रोच्चार करते हुए देव का ध्यान करना सगर्भ प्राणायाम है। इसके विपरीत अमंत्रक प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम है। ये 2 प्रकार का प्राणायाम प्रकारांतर से 3 प्रकार का कहा गया है, यथा वायु अंदर खींचकर अवस्थित होना पूरक नामक प्राणायाम है, वायु को रोककर देहेंद्रियों को स्थित करना कुंभक, और उस वायु को
धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है। 12 मात्रा वाला प्राणायाम लघु है, 24 मात्रा का प्राणायाम मध्यम तथा 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम है। अपने अपने विषयों से असंबद्ध इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप मात्र का अनुकरण करना एक विशेष प्रकार का निरोध है और इसी निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्म के साथ आत्मा का अभेद चिंतन करना ब्रह्माकार वृत्ति का अखंड प्रवाह ध्यान है। उस काल में मन के द्वारा धैर्य का अवलंबन करना ध्येय में चित्त की निश्चल रूप में स्थिति धारणा है। अहम ब्रह्म इस प्रकार अभेद ज्ञान के साथ ब्रह्म रूप में अवस्थिति ही समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा परब्रह्म हूँ, वो परब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान रूप और अनंत है, वही ब्रह्म है, उसी को विज्ञान कहते हैं, वही आनंद स्वरूप है, उसी का तत्वमसि इस श्रुति से बोध कराया गया है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीरी इंद्रियातीत हूँ, मन बुद्धि महतत्व अहंकार आदि से रहित जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त जो ब्रह्म का तेज स्वरूप है, मैं वही हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद स्वरूप अद्वय कहा जाने वाला जो आदित्य पुरुष है, वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भवबंधन से मुक्त हो जाता है।